मैडम बताया जाए होली का समय है, आप खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और बहुत ज्यादा लोगों को रंगों का साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसे में किस तरीके से अपने चेहरे का ख्याल रखा जा सकता है? होली के त्योहार में पर्व में रंग अबीर गुलाल तो खेलना ही है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है। जैसे जो भी हम अबीर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक अबीर यूज करें या फिर हर्बल आजकल आए हुए हैं मार्केट में, वो सब जो कलर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो रंग के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं स्किन पे, वो सब लोग बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरीके का चेहरे पर फेस वॉश वगैरह करें, किससे साफ करें? यदि कलर सबसे ज्यादा हार्मफुल ग्रीन कलर जो होता है, आप अक्सर देखा जाता है चेहरा ड्राई हो जाता है, उसका काफी देखने को मिलता है, बाद में प्रभाव भी देखा जाता है बहुत ज्यादा स्किन में खिंचाव आ जाता है, दरारें आ जाती हैं। हाँ, स्किन में जैसे कि अगर रंग लग जाता है उसकी वजह से हमको रैशेज हो गया या फिर किसी तरह की एलर्जी इचिंग दिख रही है, तो सबसे पहले हमको पानी से धोना चाहिए। जो भी हमारे पास माइल्ड फेस वॉश है उसका यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे जो हमारे स्किन पे होने वाले खिंचाव को बचा सके। और बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो दाने निकल रहे हैं तो उस समय एंटी एलर्जी कोई भी टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। घरेलू उपचार में क्या हो सकता है, क्योंकि होली के समय तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा हर का अपना अपना एक मूड होता है। घरेलू उपचार में जैसे कि हम लोग घर पे दही वही का भी इस्तेमाल करते हैं, दही बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कर सकते हैं, और ठंडे पानी से धोएंगे तो एक दो दिन में वो सब नॉर्मल हो जाता है। कई बार चेहरे पर लोग तरह तरह के प्रोटीन वगैरह केमिकल लगा लेते हैं, तो उसका भी कुछ उससे थोड़ा बचना तो चाहिए। अगर स्किन ज्यादा डैमेज होता है तो अपने जो भी पास में डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें।